नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर आए हम आपके अपडेट चले हैं बिलासपुर में। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, हम आपको बता देंगे मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से आखिर कब से लगने वाली है आचार संहिता। जी हाँ साथियों, इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ साथियों, हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घड़ी बिल्कुल नजदीक आती हुई नजर आने लगी और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय तय कर लिया गया है। जी हाँ साथियों, मतदान कब होगा, चुनाव कब होगा और इसका रिजल्ट भी कब आएगा, वोटिंग की तारीख के आधार पर चुनाव आचार संहिता लागू भी कर दी गई है। जैसे अब केवल अंतिम औपचारिक वोटर लिस्ट का ही प्रशासन शेष रह गया। जी हाँ साथियों, आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के और रिजल्ट नवम्बर की लास्ट वीक में आएंगे। जी हाँ साथियों, इसके लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता 15 अक्टूबर से पहले लगानी होगी। जी हाँ साथियों, चुनाव आयोग ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट की फाइनल सूची रिलीज कर दी जाएगी। सनल और सनत रहेगी इस बार 18.86 लाख मतदाता ऐसे जिनकी उम्र 19 वर्ष के आसपास हो, जो पहली बार वोट करेंगे। जी हाँ साथियों, यह वोट चुनाव का रुख बदल सकता है। हाँ साथियों, मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल बेंच का दौरा भी कर लिया गया। इसको लेकर हम आपको बता दें कि 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 5.52 करोड़ होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे इनमें से 2.85 करोड़ पुरुष और 2.76 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 2.76 करोड़ महिलाओं में से 1.25 करोड़ महिला लाडली बहना योजना के से लाभान्वित भी है। जी हाँ साथियों, 1.51 करोड़ महिलाएं इस बात से नाराज है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ साथियों, इन सभी के साथ क्या मतलब इसमें इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।